हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में। इसमें जो ये गैसेट प्लेट दिया गया है, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर गैसेट प्लेट है, यहाँ पे गैसेट प्लेट है, तो ये सबका मार्किंग कैसे करते हैं अगर इसमें डायमेंशन नहीं दिया है तो। इसके पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि इस ड्राइंग को कैसे देखना है, यहाँ पर क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, किस तरीके से इसका व्यू देखते हैं, क्या क्या इसमें फिटिंग्स लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। 2-3 पार्ट में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो ड्राइंग भेजे हैं तो उनका ये क्वेश्चन था कि इसमें अगर गैसेट प्लेट का जो डायमेंशन नहीं दिया है तो उसका हम कैसे मार्किंग करें। देख सकते हैं, जैसे ये गैसेट प्लेट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एंगल लग रहा है, इधर भी एक एंगल लग रहा है, यहाँ पर डबल एंगल है, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, और एक यहाँ पर भी डबल एंगल है, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और यहाँ पर सिंगल एंगल है। तो यहाँ पर जो ये गैसेट प्लेट लग रहा है, ये एंगल लगाने के लिए, ब्रेसिंग लगाने के लिए, तो उसका हम मार्किंग कैसे करेंगे। ये क्रॉस वाला देख सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका ये डायमेंशन दिया गया है, और इस कॉर्नर से ये कॉर्नर तक का ये डायमेंशन दे दिया गया है। लेकिन इसमें ये नहीं दिया गया है कि यहाँ का डायमेंशन हमें कितना रखना है। सेम वैसे ही इधर भी देख सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर डायमेंशन यहाँ पे 2 दे दिया गया है, लेकिन इसमें ये कितना डिग्री में यहाँ पर कटिंग करना है, इधर का फेस कितना रखना है, वो इसमें नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे बीम का कटिंग करके इस तरीके से डिग्री में रखना है, तो उसका डायमेंशन भी नहीं दिया गया, सिर्फ डिजाइन दिखा दिया गया कि इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी स्टिफनर प्लेट जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका भी सिर्फ स्क्वायर डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 300, और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे 600 ये डायमेंशन दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक गैसेट प्लेट है, उसका भी डायमेंशन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी कोई भी डायमेंशन ही नहीं है। तो इसका हम मार्किंग कैसे करेंगे, तो फ्रेंड देख सकते हैं, जो बेस प्लेट में यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये कॉलम में जो ये बेस प्लेट लग रहा था, उसी का यहाँ पे ये ड्राइंग को मैं अलग करके और यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे एक राउंड बना दिया हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ का मैं डायमेंशन आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो गैसेट प्लेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से जाकर क्रॉस में हुआ है, उसके बाद सीधा गया और फिर यहाँ पर डिग्री हुआ, फिर डाउन होकर के फिर यहाँ सीधा। तो इस डिजाइन में ये प्लेट आपको बनाना है, लेकिन इसमें जो डायमेंशन है सिर्फ 300 हाइट दिया गया है और 600 इधर का लेंथ दे दिया गया है, तो यहाँ का क्रॉस जो डायमेंशन है वो नहीं दिया गया है। तो आपको इस तरीका से मार्किंग करना है। देखिए, आपको पहले एक स्क्वायर प्लेट ले लेना है 600x300 का। उसके बाद हमें ये डिग्री वाला मार्किंग करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हाइट है प्लेट का, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हमें ये वाला जो डायमेंशन है, जैसे यहाँ पर 150 हमारा बचा, हाफ डायमेंशन से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीका से मैं यहाँ पर डायमेंशन ले आऊँ। यहाँ पर अगर 150 आ रहा है तो उसमें से हम 50 माइनस करके और यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे इस तरीका से। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 200 आ रहा है तो यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे कि 200 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो 100 बचेगा, और 100 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 बचेगा। तो 50 माइनस कर देंगे अगर यहाँ 200 में, तो यहाँ का डायमेंशन 150 आपको मार्किंग करना होगा, यानी कि 150 मार्किंग होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 150 है, तो यहाँ पर 50 माइनस करके यहाँ पर 100 मार्किंग किया गया है। इस तरीका से आपको मार्किंग कर लेना है, आपको देख लेना है कि ये कितना परसेंट ये घट रहा है, उसी के हिसाब से आपको इधर वाला मार्किंग कर लेना है। तो ये जब कंपनी हमको डायमेंशन दिया ही नहीं है, तो हम इस तरीका से अपने हिसाब से मार्किंग कर लेंगे इस तरीका से दोनों साइड में। तो ये वाला प्लेट हो गया, ये वाला प्लेट का मार्किंग हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे जो 3 यहाँ पे स्टिफनर जो लगाया गया है, उसका यहाँ पर डायमेंशन नहीं दिया गया है कि कितने कितने दूरी पर हमको लगाना है। यहाँ पे जो स्टिफनर जो लग रहा है, 3 स्टिफनर, सिर्फ यहाँ पे होल का डायमेंशन दिया गया है कि 175 पर यहाँ पे होल करना है, यहाँ से इधर से 175, और होल टू होल डायमेंशन 250 रहेगा। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो स्टिफनर लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ स्टिफनर का डायमेंशन नहीं दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सेंटर में एक मार्किंग कर देंगे इस तरीका से, देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बड़ा वाला जो प्लेट लग रहा है, और उसके बाद साइड में जो स्टिफनर प्लेट लग रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेंटर में लगा देंगे। और सेंटर में लगाने के बाद यहाँ पर हमें देखना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कितना डायमेंशन बच रहा है। देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 डायमेंशन बच रहा है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे
और बीच में 150 पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। 150 पर इस तरीके से मार्किंग करके और ये यहाँ का प्लेट और यहाँ का प्लेट लगा लेंगे और एक सेंटर में लगा लेंगे। इस तरीके से लगा करके हम फिटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया स्टिफनर प्लेट लगाने का तरीका। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साइड में जो गैसेट प्लेट आ रहा है ये एंगल लगाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्क्वायर एक मार दिया हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से गैसेट प्लेट का डिजाइन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइनिंग जा रहा है और यहाँ पे डिग्री में गया, फिर यहाँ पे डाउन में गया और उसके बाद फिर यहाँ से डिग्री में गया और उसके बाद सीधा होकर के फिर ऊपर जा रहा है। ये गैसेट प्लेट है यहाँ से लेकर के ये इतना दूर तक। इसमें ये डिग्री में एंगल लग रहा है और यहाँ पे भी एक डिग्री में एंगल लग रहा है और ये सीधा ऐसे एंगल लग रहा है। यहाँ पे डबल एंगल है, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है और यहाँ भी डबल एंगल है। तो इसी का डिजाइन यहाँ पर मैं अलग बना के रखा हूँ, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से स्क्वायर प्लेट ले लेना है जिसमें डायमेंशन आपको मार्किंग कर लेना है 671x218 जैसे स्क्वायर डायमेंशन उसमें दिया गया है, लेकिन इसमें ये डिग्री वाला डायमेंशन ये सब नहीं दिया गया है जो मैं इसमें मार्किंग करके रखा हूँ 120 और 120 और यहाँ पर 170 और ये जो डिग्री है 45 डिग्री में इस तरीके से मार्किंग करना है। ये कैसे मार्किंग आया तो यहाँ पर देखना है हमको कि इधर में एंगल हमको किस तरह लगाना है और कितना डायमेंशन है। तो हमें दो एंगल यहाँ पर लगाना है। अगर यहाँ पर डबल एंगल है और इधर सिंगल एंगल है फिर भी हमें ये जो डिग्री वाला डायमेंशन है दोनों सेम ही रखना होगा क्योंकि एक ही डिजाइन दोनों साइड रहेगा। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि एंगल कितना का है। जैसे 75 का दो एंगल यहाँ पे आ रहा है तो हम 75 डायमेंशन इस तरीके से ले लेंगे। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर 90 का एंगल आ रहा है या 65 का एंगल आ रहा है तो उस तरीके से आप डायमेंशन ले लेंगे। तो यहाँ पर 75 हम ले लिए और एंगल के बाहर इस तरीके से 10 mm या 15 mm बचना चाहिए, 10 mm या 15 mm दोनों साइड। तो इस तरीके से हम 10 mm प्लस कर लिए हैं दोनों साइड। ये सभी डायमेंशन को प्लस करके यहाँ पे देख सकते हैं 75 और 10 + 10 तो 170 mm ये डायमेंशन आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये 120 डायमेंशन कैसे आया है, कैलकुलेटर में जाना है, इस तरीके से टाइप करना है साइन और यहाँ पर लगा देंगे हम 45 डिग्री। यहाँ पर आपको देखना है कि ये एंगल कितने डिग्री में लग रहा है, आपको अंदाजा लगा लेना है या फिर डिग्री चेक कर लेना है। देख सकते हैं कि मेरा अंदाजा है कि ये 45 डिग्री में एंगल जा रहा है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है डिग्री का, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एंगल कितने डिग्री में है या फिर आप चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कैलकुलेटर में जाएंगे, साइन लेंगे और डिग्री डालेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और इनटू 170 डायमेंशन, यहाँ पर जो ये डायमेंशन हमने ये सब प्लस किया है 170 यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 120 mm आ गया है। तो इस तरीके से हमें 45 डिग्री में मार्किंग करना है तो 120 mm इधर आएगा और 120 mm इधर भी मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम क्रॉस खींच देंगे और वो 170 का ये डायमेंशन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड, इस तरीका का मार्किंग करने के लिए गैसेट प्लेट। उसके बाद यहाँ पर जो ये साइड में एक और गैसेट प्लेट आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, उसका भी डायमेंशन सेम वहीं 2 डायमेंशन दिया गया है। ये छोटा गैसेट प्लेट है, इसमें सिर्फ 2 एंगल लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं उसका डिजाइन बना के रखा हूँ। 2 डायमेंशन दिया गया है, जैसे 250 और 208 इस तरह से डायमेंशन दिया गया है। मान लीजिए कोई भी डायमेंशन हो, वहाँ पे क्लियर हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पे कितना डायमेंशन है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लिया। उसके बाद आपको ये क्या करना है, यहाँ नीचे का जो ये डायमेंशन है आपको 50 mm रखना है या 60 mm रखना होगा, याद रखना है इतना ही डायमेंशन रखना होगा आपको। अगर 250 है तो यहाँ पर 50 रखेंगे, अगर ये 200 भी होता तो यहाँ पर 50 ही रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये डायमेंशन रख लेना है। उसके बाद और इधर का अब जो क्रॉस डायमेंशन है उसको हम कैसे निकालेंगे, हमें देख लेना है कि यहाँ पर कितना का एंगल आ रहा है। जैसे 75 का एंगल है और दोनों साइड 10 mm हमें जगह भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए 170 यहाँ पर टोटल डायमेंशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम 75 प्लस करके और 10 + 10 कर देंगे तो 170 डायमेंशन आ रहा है टोटल डायमेंशन। यहाँ सेंटर से 85 इधर और 85 इधर मार्किंग कर देंगे सेंटर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें ये क्रॉस डायमेंशन इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ 250 पर मार्किंग करेंगे और क्रॉस डायमेंशन मार्किंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इस तरीका का प्लेट मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बीम में नीचे में क्रॉस में एक बीम कटिंग करके लगाना है, देख सकते हैं इस तरीके से ये जो बीम है इसमें इस तरीके से हमें डिग्री में काटना है और वहाँ पर लगाना है। यहाँ पर सिर्फ हमें इस ड्राइंग में डिग्री दिया गया था कि ये जो बीम है इस तरीके से ये जो लग रहा है डिग्री में, यहाँ पर डिग्री दिया गया था कि 18 डिग्री में यहाँ पर लगाया जा रहा है। हमको ये पता है कि 18 डिग्री में है
तो हमें यहाँ पर ये जो डिग्री काटना है यहाँ से 18 डिग्री में हमें काटना है, ये चीज़ हमको पता है। लेकिन इसमें यहाँ का डायमेंशन भी नहीं दिया है कि कितना हमें लंबाई रखना है, तो मैं अपने हिसाब से 1 मीटर डायमेंशन रख लिया और सेंटर में एक हम बीचों बीच मार्किंग कर देंगे इस तरीका से। अब यहाँ पर हमें हाइट यहाँ पर कितना मार्किंग करना है, जैसे 162 यहाँ पर डायमेंशन आया है, तो ये डायमेंशन कैसे आया तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमें कैलकुलेटर में जाना है और लेना है tan, उसमें ब्रैकेट लगा लेना है और 18 डिग्री डाल देंगे जो हमें ये डिग्री लेना है, और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इंटू 500 डालेंगे। जैसे कि ये जो डायमेंशन है, जैसे हम 1 मीटर डायमेंशन लिए हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 500 डायमेंशन आया है, तो वही 500 यहाँ पर डालेंगे तो ये 162 आ जाएगा, यहाँ का हाइट डायमेंशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से किसी पट्टी के जरिए यहाँ पर लाइन मार देंगे दोनों साइड सेम वैसे ही, और इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीका का डिग्री में, तो इस तरीका से मार्किंग कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये गैसेट प्लेट जो दिया गया है, देख सकते हैं जिसमें ये एंगल आ रहा है, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं दिया गया है, तो इसका मार्किंग करना बहुत काफ़ी मुश्किल है, आप खुद से मार्किंग नहीं कर सकते हैं। अगर इसको मार्किंग करना है तो आपको पूरा जो है इसका लेआउट भी अगर आप मारते हैं तो भी आप इसका डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी डायमेंशन ही नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको अपने इंजीनियर से बात करना होगा कि हमको इसका कोई भी, या तो कम से कम स्क्वायर डायमेंशन हमको चाहिए, जैसे ये प्लेट का स्क्वायर डायमेंशन दिया गया है वैसे ही हमें इसका स्क्वायर डायमेंशन भी कम से कम चाहिए, तब हम इसका मार्किंग कर पाएंगे। लेआउट मार के भी आप मार्किंग करेंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत सारा मुश्किल आ जाएगा। तो इसको मार्किंग करने के लिए आपको इंजीनियर से बात करना होगा कि मुझे कम से कम इसका स्क्वायर डायमेंशन आपको देना होगा, आप जो ड्राइंग ये बनाया है कंपनी आप उससे बात करिए, किधर से भी बात करिए, लेकिन हमें इसका डायमेंशन चाहिए, तो आप इंजीनियर से इस तरीका से मांग सकते हैं। और नहीं तो आप अपने अंदाज से जब आप इसको इरेक्शन करेंगे तो वहाँ पर अपने अंदाज से इसको प्लेट को आप मार्किंग कर सकते हैं, देख लेंगे, बिना डायमेंशन का ही आप मार्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का डायमेंशन हम निकाल लेंगे नीचे का, और यहाँ ऊपर का डायमेंशन देख लेंगे कि हमें थोड़ा बहुत प्लस करके रखना है, अंदाजा लगा करके अब इसमें मार्किंग आपको करना होगा। यहाँ हाइट भी आप देख लेंगे कि हमें कितना रखना है, पहले हम एंगल को लगा लेंगे उसके बाद मार्किंग करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये गैसेट प्लेट जो है फैब्रिकेशन के दौरान ही हमें लगाना पड़ता है, तो जब तक हम लेआउट नहीं मारेंगे या फिर इरेक्शन नहीं करेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि इसका डायमेंशन कितना रहेगा। तो फ्रेंड आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक नया वेबसाइट है फिटर ट्रेनिंग, और इसका गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे fittertraining.com तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पाइपिंग का और स्ट्रक्चरल का सब फार्मूला वगैरह यहीं पर आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीका से अगर आपको लेटरल ब्रांच या टी ब्रांच बनाना हो तो उसका कट बैक आपको मिल जाएगा 60 डिग्री 45 डिग्री और 30 डिग्री, अलग अलग साइज में यहाँ पर आपको चार्ट मिलेगा। यहाँ पर जो पहले वाली वेबसाइट पर जो मैं आपको बताया था fabricatorguide.com पे, तो वहाँ पर वेबसाइट जो है स्टोरेज फुल हो गया है, तो बाकी उसके बाद जितना भी पोस्ट है अब इसी वेबसाइट पर आएगा। यहाँ से आपको पाइपिंग का स्ट्रक्चरल का सब कुछ फार्मूला वगैरह मिलेगा। यहाँ से आप हमारे पुराने वाले वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं वाल्व के बारे में भी मैं बताया हूँ, पाइपिंग के बारे में भी बहुत सारा बताया हूँ यहाँ पर, और ये जो मैं अभी स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया ये भी यहाँ पर पोस्ट लिखा गया है किस तरीके से क्या मार्किंग वगैरह करना है। ये हमारा वेबसाइट का नाम है fittertraining.com। यहाँ पर एक और मैं यहाँ पे पोस्ट लिखा हूँ कि इसमें पाइप में कितने टाइप का बेवल होता है, जैसे देख सकते हैं ये सिंपल बेवल हो गया, यहाँ पे जे ग्रुप बेवल हो गया, किस तरीका का जे ग्रुप और टाइप आता है अलग अलग, यहाँ पे मैं बता के रखा हूँ। तो ये आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करें और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल करके इस वेबसाइट को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं फार्मूला और पोस्ट लिखूँ तो आपको मिल जाए। तो देख सकते हैं ये हमारा नया वेबसाइट है, और आइए आप यहाँ पर विजिट करिए, काफ़ी यहाँ पर बहुत सारा मैं फार्मूला अब बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।